डियर स्टूडेंट्स, आई प्रोफेसर भारती करारे, लेक्चरर कंप्यूटर डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक वेलकम्स यू इन दिस ऑनलाइन प्रैक्टिकल सेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग इन सी. टुडे वी विल सी प्रैक्टिकल नंबर 17 फॉर सीपीआर एंड प्रैक्टिकल नंबर 13 फ्रॉम पीआईसी, मतलब प्रोग्रामिंग इन सी. Okay, and write C programs to perform library functions. Practical outcomes. After watching this video, we will be able to write, compile, execute simple C program using Turbo C and GCC compiler and use library and user defined functions in the program. मतलब यह वीडियो देखने के बाद हम C प्रोग्राम लिख सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं टर्बो सी कंपाइलर के साथ और जीसीसी कंपाइलर के साथ, एंड हम लाइब्रेरी और यूजर डिफाइंड फंक्शंस को प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. प्रोग्राम कैसे लिखे इसका यूज करके ये हम ये प्रैक्टिकल के थ्रू समझ सकते हैं. नाउ प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप. ये प्रैक्टिकल के थ्रू, ये वीडियो के थ्रू हमारी जो प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप हो रही है कि हम एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, हम प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं, हम प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंड इसके लिए हम एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं. नाउ कोर्स आउटकम्स एंड प्रोग्राम आउटकम्स. आज के ये जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 17 फॉर सीपीआर एंड 13 फॉर पीआईसी, तो उसके लिए हम ये कोर्स आउटकम ये फुलफिल करेंगे. ये प्रैक्टिकल के थ्रू सीपीआर के लिए और पीआईसी के लिए, दोनों के लिए एक ही प्रोग्राम आउटकम फुलफिल होता है. बट यहाँ पे पीआईसी के लिए फिफ्थ नंबर का होता है, यहाँ पीआईसी चाहिए था, यहाँ पीआईसी के लिए फिफ्थ नंबर का और यहाँ सीओ के लिए फोर्थ नंबर का. जैसे यूज फंक्शन इन सी प्रोग्राम फॉर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच, दोनों के लिए मतलब दोनों जगह ये सेम कोर्स आउटकम फुलफिल होता है. ये प्रैक्टिकल के लिए हमारा जो कोर्स आउटकम फुलफिल हो रहा है, यूज फंक्शंस इन सी प्रोग्राम फॉर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच, मतलब फंक्शंस का प्रोग्राम हम इसमें यूज करने जा रहे हैं. सो मतलब लाइब्रेरी फंक्शंस हम इसमें यूज कर रहे हैं. देन बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज, ये प्रोग्राम आउटकम हमारा फुलफिल होता है, बेसिक नॉलेज मिलता है. देन इंजीनियरिंग टूल एज अ कंप्यूटर हम यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन यानी प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं, एंड टेस्टिंग मतलब उसका आउटपुट हम चेक करते हैं. नाउ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, ये प्रैक्टिकल का सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है कि लाइब्रेरी फंक्शंस का प्रैक्टिकल जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन एंड डिक्लेयर यूजर डिफाइंड फंक्शंस एंड लाइब्रेरी फंक्शंस एंड यूज डिफरेंट स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस एज वेल एज मिसलेनियस फंक्शंस. मतलब स्टूडेंट्स को यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करते आना चाहिए, उसे डिक्लेयर करते आना चाहिए, वैसे ही वो लाइब्रेरी फंक्शंस को और स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस को, मैथमेटिकल फंक्शंस को उन्हें यूज करते आना चाहिए. string.h हेडर फाइल सपोर्ट्स ऑल स्ट्रिंग फंक्शंस इन सी. string.h हेडर फाइल में सभी स्ट्रिंग से रिलेटेड, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन से रिलेटेड फंक्शंस अवेलेबल होते हैं. ऑल सी इनबिल्ट फंक्शंस व्हिच आर डिक्लेयर्ड इन math.h, मैथ में सब मैथमेटिकल फंक्शंस अवेलेबल है. सो स्टूडेंट विल डेवलप एन एबिलिटी टू कंपेयर स्ट्रिंग्स, कॉपी स्ट्रिंग्स, जनरेट रैंडम नंबर्स, साइन कोसाइन एंड लॉग वैल्यूज एक्सेट्रा. तो ये प्रोग्राम के थ्रू हमें मतलब ऑलरेडी मैथ्स के जो मैथमेटिकल फंक्शंस है वो रेडीमेड फंक्शंस को हमें यूज करना है और स्ट्रिंग हैंडलिंग से रिलेटेड फंक्शंस को हमें यूज करना है. सो स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस, स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस में कौन से स्ट्रिंग फंक्शंस अवेलेबल है. स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस आर अवेलेबल कौन सी लाइब्रेरी फाइल में अवेलेबल है, string.h फाइल में. और कौन से स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस है, strl लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, strlwr मतलब कन्वर्ट कैरेक्टर्स टू लोअर केस, अपर केस कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए, strapr upr अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, strcat स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए मतलब ज्वाइन करने के लिए दो स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग एन कॉन्केटिनेट मतलब फर्स्ट एन कैरेक्टर्स को एट द एंड ऑफ द अनदर स्ट्रिंग में ज्वाइन करने के लिए, स्ट्रिंग कॉपी strcpy यानी हम स्ट्रिंग को, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करते हैं जैसे कि वैसे, एक के कंटेंट्स दूसरे कंटेंट्स में, तो उसके लिए लेंथ सेम होना जरूरी है. देन strcmp कंपेयर करते हैं हम दो स्ट्रिंग को,
तो इस तरीके से दीज आर द वेरियस स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस व्हिच आर टू बी इंक्लूडेड इन स्ट्रिंग डॉट एच। तो यहाँ पे लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे स्ट्रिंग हमने एंटर किया जिसे ग्रीक नाम से, तो इसमें कितने कैरेक्टर्स है, दैट इज लेंथ, एंड लेंथ इज अ न्यूमेरिक, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो नंबर है, इसलिए लेंथ को हम इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन करते हैं और स्ट्रिंग को कैरेक्टर डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। ओके, अब वो ये फंक्शंस किस तरीके से यूज होते हैं, जैसे str len कैसे यूज होगा, str len और ब्रैकेट में str1, मतलब जिसमें हमने ये स्ट्रिंग 1 में वैल्यू एंटर की है, जिसकी लेंथ हमें निकालना है, वो स्ट्रिंग का वेरिएबल हम यहाँ लिखेंगे और str len लिखेंगे, और इसका वैल्यू जो आएगा वो न्यूमेरिक वैल्यू आएगा, इसलिए इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल में हम इसको स्टोर करेंगे। वैसे str lwr मतलब लोअर केस में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो कौन से स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, वो स्ट्रिंग का वेरिएबल हम यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में और जो फंक्शन है वो यहाँ लिखेंगे, तो एक्चुअली वो इस str one में ही उसकी वैल्यू स्टोर रहेगी। str cat में str one कॉमा str two, मतलब ये दो स्ट्रिंग को हम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, मतलब ज्वाइन कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्ट्रिंग के एंड में ये दूसरा स्ट्रिंग जाके ऐड हो जाएगा और ये जो पहला कंटेंट रहेगा उसको हम डिस्प्ले करेंगे ताकि ये स्ट्रिंग जो है वो इसमें ऐड होके है, और तो इसको प्रिंट करेंगे, मतलब हमारा स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन फंक्शन किसमें स्टोर रहता है, इसमें। देन str upr str1 को हम करेंगे तो str1 को प्रिंट करेंगे तो हमारा ये जो फंक्शन है वो यूज होगा। str rev str rev फंक्शन str ये हम जैसे के वैसे प्रिंट करेंगे तो इसका जो स्ट्रिंग 1 का जो रिवर्स फंक्शन है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। जैसे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन देखो यहाँ पे दिया है, स्ट्रिंग 1 फेस है, स्ट्रिंग 2 prep है, तो इसको स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 कैसे होता, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन की वजह से face prep आएगा। ओके, अपर को अपर और लोअर को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, जैसे यहाँ पे दिया है तो अपर स्लार ये UPOER, इससे UPOER ये स्ट्रिंग 2 में कन्वर्ट होगी। प्लीज एंटर द स्ट्रिंग, लर्न प्रोग्रामिंग, रिवर्स स्ट्रिंग इसके एग्जैक्टली अपोजिट वो प्रिंट करता है। सो दीज आर द स्ट्रिंग्स व्हिच आर टू बी इंक्लूडेड। इससे रिलेटेड स्ट्रिंग लाइब्रेरी और स्ट्रिंग कॉपी फंक्शंस को किस तरीके से यूज करते हैं, यहाँ सैंपल दिया है कि स्ट्रिंग डॉट एच इंक्लूड करेंगे, देन कैरेक्टर str और साइज उसमें डिफाइन करेंगे, और इक्वल टू करके हम डबल कोट में उसकी वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन, इसे बोलते हैं हम स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन, या फिर गेट एस या स्कैनफ से हम इसकी वैल्यू भी, प्रिंट एफ स्कैनफ से इसकी वैल्यू भी बाहर से दे सकते हैं। ओके, सो इन दैट वे स्ट्रिंग कॉपी यहाँ देखो कैसे यूज किया है, str1 कॉमा str2, मतलब str1 के कंटेंट्स str2 में कॉपी किए हुए हैं। ओके, सो रिवर्स इस तरीके से हमारा प्रोग्रामिंग होता है, सो वी हैव टू रिमेम्बर द सीक्वेंस। So these are all the string library functions which we have to implemented. हमने एक ही प्रोग्राम में उसका algorithm लिखा है, flow chart लिखा है, अलग अलग लिखे है, but we have to sum up in एक ही इसमें हम sum कर सकते हैं। okay? जैसे यहाँ पे algorithm हमने sum किया। Now let us execute. तो सभी functions, सभी library functions, string library functions हमने एक ही इसमें लिए है, उसके लिए दो string को enter किया, integer length calculate किया, string 1 और string 2 को scanf से enter किया, और उसके बाद हमने string concatenation function use किया, उसको print किया, फिर lower case को यहाँ पे directly उसकी value print की है function से, upper case को भी directly print किया है, देन यहाँ पे स्ट्रिंग वन रिवर्स करने के लिए स्ट्रिंग वन प्रिंट किया, एंड देन str rev उसी स्ट्रिंग पे इम्प्लीमेंट करते हुए हमने उसको प्रिंट किया, एंड लेंथ कैलकुलेट करिए, len इज इक्वल टू str len str फंक्शन से, एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग परसेंट d करके वो लेंथ को कैलकुलेट किया, सो ऑल इज टू बी इंक्लूडेड इन अ सिंगल प्रोग्राम। दीज आर द स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस। नाउ यूज ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस। मैथमेटिकल फंक्शंस में जैसे एब्सोल्यूट है, स्क्वायर रूट है, देन उसके बाद डबल है, सॉरी पावर फंक्शन है, एक्स टू द पावर वाई कैलकुलेट करना है हमें, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है हमें, सील वैल्यू कैलकुलेट करना है, फ्लोर वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैथमेटिकल फंक्शंस अवेलेबल है। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए भी, कॉस साइन इसके लिए भी,
ये सभी फंक्शंस अवेलेबल है। सो टू लेटेस्ट एक सैंपल स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये प्रोग्राम हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर बाकी के प्रोग्राम उसी तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो हैव टू रिमेम्बर ये सब मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें क्या ध्यान में रखना पड़ता है कि हमें math.h हेडर फाइल डिफाइन करनी पड़ती है एंड ऑल दीज आर ऑल फंक्शंस अवेलेबल इन दिस लाइब्रेरी टेक डबल एज अ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न डबल एज अ रिजल्ट। इसलिए हमें इसे डबल वेरिएबल ही डिफाइन करेंगे सभी मैथमेटिकल फंक्शंस में। डबल जैसे जो भी फंक्शन का नाम है वो फंक्शन का नाम यहाँ लिखेंगे एंड अगेन वेरिएबल वी हैव टू राइट इट इन डबल एक्स। ओके जैसे स्क्वायर रूट निकालना है तो डबल उसका डिफाइन करेंगे स्क्वायर रूट उसका फंक्शन का नाम और ब्रैकेट में फंक्शन है तो फंक्शन में अगेन डबल एक्स मतलब ये जो वेरिएबल है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। पावर में भी वैसे ही डबल पावर डबल एक्स डबल वाई क्योंकि एस रेस टू द पावर वाई एक्स वाई का हमें पावर निकालना है एक्स रेस टू द पावर वाई तो इसके लिए हमें x इंटू वाई होगा तो इसके लिए हम पाव फंक्शन यूज करते हैं डबल में जाएंगे डबल पाव एंड अगेन दिस आर्ग्यूमेंट्स इज आल्सो हैविंग डबल वैल्यू। ओके नाउ वी हैव टू कैसे होता है सैंपल देखते हैं हम यहाँ पे जैसे पावर फंक्शन है तो x कॉमा वाई पाव x कॉमा वाई तो इसका आंसर कैसे आता है x की वैल्यू 5 है n की वैल्यू 2 है तो x रेस टू द n जब 5 रेस टू द पावर 2 मतलब कितना आएगा 25। तो सिंपल हम पाव x कॉमा n लिखेंगे और x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू n की वैल्यू 2 देते हैं तो हमारा आंसर आता है 25। ओके सो इन दैट वे ऑल मैथमेटिकल फंक्शंस आर टू बी यूज्ड। ओके जैसे स्क्वायर रूट है अगर हमें स्क्वायर रूट ऑफ x निकालना है हमने 225 वैल्यू दी तो उसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा हमारा 25। ओके सो इन दैट वे वी हैव टू यूज दिस मैथमेटिकल फंक्शंस। नाउ इसके लिए हमने अलग अलग प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं सबके लिए प्रोग्राम लिखे एवरी टाइम वी हैव टू डिफाइन इट डबल फ्लोट या डबल डिफाइन किया है हमने एंड जो कैरेक्टर है उसके लिए यहाँ पे भी डबल डबल कैलकुलेट किया है क्योंकि वो डबल से कैलकुलेट होता है। ओके देखो एवरी टाइम वी हैव टू राइट इट डबल। ओके तो सेम प्रोग्राम है अभी स्क्वायर रूट का प्रोग्राम अगर हम देखते हैं पावर का प्रोग्राम अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमने कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया डायरेक्ट हमने प्रिंट किया है हमने डायरेक्ट वैल्यू ली कि वैल्यू 8.0 ये फ्लोट वैल्यू ली रेस टू द पावर 3 8 रेस टू द पावर 3 कितना होता है वो डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया। यहाँ पे हमने परसेंट स्पेसिफायर LF 1F लिया मतलब फ्लोट 1F करके स्लैश एन यानी यहाँ पावर फंक्शन यूज किया तो इसका डायरेक्ट आंसर हमें मिलेगा। तो नाउ लेट अस एग्जीक्यूट द प्रोग्राम हम ये सब प्रोग्राम्स को भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं यहाँ math.h हेडर फाइल हमने इंक्लूड की है। नाउ लेट अस एग्जीक्यूट द प्रोग्राम सो हियर वी हैव टू स्टॉप एंड स्टार्ट टर्बोसी। टर्बोसी में हम स्ट्रिंग और मैथमेटिकल फंक्शन को यूज करके देखते हैं। दिस इज ओपन नाउ वी हैव टू ओपन एक्सपेरिमेंट ओके सो यहाँ पे हमने सभी स्ट्रिंग फंक्शंस को एक साथ ही इंप्लीमेंट किया है। तो जैसे दो स्ट्रिंग्स लिए उस लेंथ कैलकुलेट किया एंड देन जहाँ पे हमने वीडियो में देखा था उसी तरीके से यहाँ पे हमने पूरा प्रोग्राम जैसे कि वैसे ही लिखा है जस्ट वी हैव टू चेक द आउटपुट। कंपाइल कर रहे हैं हम इसको देन इसके बाद इसको रन कर रहे हैं। ओके वी रन करने के बाद फर्स्ट स्ट्रिंग दे रहे हैं हम हेलो सपोज दिस स्ट्रिंग वी हैव टू राइट इट हियर कैपिटल लेटर्स एच ई डबल एल ओ। ओके Now we have to write it hello world WORLD word okay now देखो hello world combined string hello world हो गया then convert lower में hello को lower में convert किया convert word में word को इसमें convert किया then string before reverse hello world है और after reverse पूरा reverse direction से convert हुआ है length of string जितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 length of string 10 आई है। इस तरीके से All the string handling functions are to be included in string.h and हमने एक ही प्रोग्राम में उसको एग्जीक्यूट किया है। ओके नाउ वी हैव टू सी मैथमेटिकल फंक्शंस अभी हम देखते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस उसके लिए हम ओपन करेंगे बी नाम से अगर है तो बी ओके एंटर करते हैं यस बी
बी में हमने दिए है डबल फंक्शन, देखो यहाँ अलग अलग करके हमने प्रोग्राम दिया, तो बी देखते हैं। यहाँ पे सीलिंग फंक्शन हमने यूज किया, फाइनल फंक्शन, फ्लोर फंक्शन यूज किया। फ्लोर फंक्शन में क्या होता है कि -9.33 वैल्यू अगर हमने डाली तो इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम लेवल पे जाती है, -9.33 है तो यहाँ ये 0.5 का हिसाब नहीं रखते तो इसको रैंडम करता है वो -10 में, मतलब एक से ज्यादा बढ़ा देता है, -10 में करता है, ओके, मैक्सिमाइज करता है वैल्यू को, मिनिमाइज नहीं करता है। ये सीलिंग फ्लोर फंक्शन है, सीलिंग फंक्शन से उसको मिनिमाइज करता है। अगर हम यहाँ सील